प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज के रिव्यू में बात करेंगे फाय की तीन परफ्यूम्स, एक्टिव, सोशल और माउंटेन रेन के बारे में। देखिए, ये सभी ओदे टॉयलेट परफ्यूम कंसेंट्रेशन में आती हैं, इसलिए पहले ही हमको इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। फाय बोलते हैं या फी, मुझे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। कुछ लोग फिजिक्स की तरह फी बोलते हैं, मैं इसको वाई की तरह फाय बोलता हूँ। फाय अपनी फिलॉसफी में, या यूं कहें फाइलोसोफाय में, क्लीन परफ्यूम देने की बातें करते हैं। इनका दावा है कि इनकी परफ्यूम में कोई भी पैराबेन, फैलेट, सल्फेट, सिलिकॉन्स या एनिमल डिराइव्ड कंपाउंड्स नहीं हैं। अगर आप देखें तो ये डब्बे पे भी लिखते हैं ये बातें। और ये क्या है ये चीज़ें, तो देखिए हर परफ्यूम में कोई ना कोई केमिकल तो होता ही है, लेकिन ये जो मैंने अभी नाम लिए ये ऐसे हैं कि इनका अगर आप लॉन्ग टर्म पे एक्सपोजर अपने शरीर के साथ करेंगे तो कोई ना कोई हानि हो सकती है। साथ ही फाय अपनी परफ्यूम्स में शेल्फ लाइफ के साथ साथ यूजेज लाइफ का कंसेप्ट लेकर आया। फाय कुछ अलग कर रहा है ना, आप ये सोचेंगे। दरअसल दोस्तों, आज परफ्यूम इंडस्ट्री में इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं और हर कोई एक दूसरे से वन अप होने के चक्कर में कोई ना कोई नए तिकड़म आजमा रहे हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा पक्का। कोई प्रीमियम ब्रांड की परफ्यूम का बजट स्मेल अलाइक बना रहे हैं, आधे से ज्यादा परफ्यूम ब्रांड्स यही कर रहे हैं, जैसे ब्लैंको, बियर्डो, विलेन एटसेट्रा। तो कोई कहता है कि ठीक है परफ्यूम तो बना दी लेकिन परफॉर्मेंस कैसे अच्छी आएगी, तो या तो आप एप्पल परफ्यूम ले लें जैसे पटेल नेक बना रहे, या इत्र का इस्तेमाल पर जोर डालिए जैसे आदिल कदरी, अल नुएम, ये दावा कर रहे हैं। फिर आता है एक ब्रांड जो कह रहा है कि भाई एग्जिस्टिंग परफ्यूम जो EDP जिसको आप बोलते हैं उसमें हम परफ्यूम ऑयल की परसेंटेज बढ़ा दें और उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, जैसे बगोमो ब्यूटे। और दोस्तों फिर कुछ ब्रांड्स आते हैं जैसे फाय, वाओ, वो कहते हैं कि भाई आप परफ्यूम तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में सेफ है या नहीं। ये ब्रांड्स आपका ध्यान क्लीनर, सेफर परफ्यूम्स की तरफ मोड़ते हैं। रिव्यू में हमेशा की तरह वही एजेंडा रहेगा, एक नज़र डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर, और डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस सीजन में बेस्ट सूटेड है और क्या ये आपको खरीदनी भी चाहिए या नहीं। अगर आपने अभी तक फाय की कोई भी परफ्यूम यूज नहीं करिए और एक ऑनेस्ट ओपिनियन वाले वीडियो की वेट कर रहे थे तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखें। वीडियो का ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने सवाल कमेंट करें या DM करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन अगर ऐसे देखें, यहाँ पीछे लगते हैं इनकी परफ्यूम बॉटल्स को, ये 50 ml की हैं दोस्तों, तो बड़ी क्यूट सी बॉटल्स हैं। और ये इनकी पैकेजिंग है, आउटर पैकिंग। तो आउटर पैकेजिंग और परफ्यूम डिजाइन इन तीनों परफ्यूम्स की एक जैसी है। बॉक्स के सामने आपको परफ्यूम कैटेगरी मिल जाती है, सबसे पहले ओदे टॉयलेट, फिर फाय की ब्रांडिंग मिलती है, परफ्यूम का नाम, एक्टिव, सोशल, माउंटेन रेन, इनकी अपनी अपनी टैगलाइन और क्वांटिटी 50 ml प्रिंटेड मिलती है। बॉक्स के ऊपर देखें तो फाय का आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे की तरफ इनकी MRP है 450 रुपये, एक बैच नंबर मिल जाता है और 2 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक साइड पर देखें तो मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड, कस्टमर केयर और बारकोड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बैक साइड पर देखें तो डायरेक्शंस फॉर सेफ यूज, कॉशन, इनकी नोट प्रोफाइल और कुछ सिंबल्स मिलते हैं। अब देखिए सिंबल्स क्या हैं, अगर आप देखेंगे तीनों में सेम है। यहाँ पर है कि ये एनिमल क्रुएल्टी नहीं करते हैं, ये 100% वीगन है, वीगन है दोस्तों, लेकिन अल्कोहल फ्री नहीं है, ठीक है। फिर फ्लेमेबल का सिंबल है और ये सिंबल है जो कि इसमें देखने को मिलता है, और ये है दोस्तों यूजेज लाइफ का सिंबल जिसके अंदर 6M लिखा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और फाइनली जो लास्ट साइड है उसमें भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पैक करके दे रखी है। अगर देखें इसमें तो ये सेल्फ केयर की बातें करते हैं और अगेन जो इनकी टैगलाइन है, साथ ही में कुछ नोट्स इन्होंने बोल्ड में हाईलाइट कर रखे हैं, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं और जो इनका वादा है कि क्या क्या इनके परफ्यूम में नहीं है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यूजेज लाइफ की बात करी है, तो एक बार ज्यादा यूजेज लाइफ की बात कर लें। देखिए शेल्फ लाइफ हम सबको पता है क्या होती है ना, बेसिकली वो कंसेप्ट आया है मार्केट में, अगर आपकी दुकान है या कोई भी आप शेल्फ पे कोई चीज रखते हैं तो कब तक आप उस चीज को रख सकते हैं उस शेल्फ पर, ठीक है। मतलब डब्बे को बिना खोले, अगर ये डब्बा सील्ड है, फैक्ट्री से सील्ड है, ये परफ्यूम को मैंने खोला नहीं है, परफ्यूम के संदर्भ में बताऊं तो अगर मैंने परफ्यूम खोली नहीं है तो मैं उसको कब तक रख सकता हूं अपने पास, तो ये उसकी शेल्फ लाइफ है। अब ये देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग है June 2022 की और इसकी यूज बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखा है, तो यानी कि इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की है, June 2024 तक। अगर मैं इसको नहीं खोलूंगा और ऐसे ही अपने पास रखूंगा तो ये 2024 तक एकदम सही रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आ जाता है यूजेज लाइफ। यूजेज लाइफ का मतलब ये है कि एक बार ये डब्बा मैंने खोल दिया, ये परफ्यूम को मैंने एक बार स्प्रे कर दिया, ये पहली बार स्प्रे करने पर हवा के कॉन्टेक्ट में आ गई, उसके बाद ये कितने टाइम तक अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देती रहेगी। यूजेज लाइफ का कंसेप्ट बताने के लिए एक, जैसे मैंने दिखाया आपको, वो आइकन है ओपन बॉक्स का और उसके अंदर
6M, 10M, 8M ऐसे करके लिखा होता है। तो M का मतलब होता है मंथ, और वो जो नंबर है उसका मतलब है कि जब आप खोलेंगे उससे 6 महीने तक, इसके केस में उसके 6 महीने तक ये बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगी। लेकिन दोस्तों, यूसेज लाइफ के कंसेप्ट पर भी काफी चर्चा होती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप परफ्यूम को संभाल कर रख रहे हैं, अच्छे से स्टोर करते हैं कूल डार्क एनवायरनमेंट में, इनको इसी के डब्बे में रखकर, ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लाइट है, मान लीजिए आपके घर की लाइट है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उससे भी दूर बचा कर रखते हैं, सेफ रखते हैं, तो ये जो है ये यूसेज लाइफ छोड़िए, ये अपनी शेल्फ लाइफ से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। दोस्तों, मेरी अपनी परफ्यूम लाइब्रेरी में कई सारी परफ्यूम्स हैं जो 8-9 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी है, और मैं उनको कभी कभी यूज करता हूँ, उनकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी है, उनको लगाने में कोई मेरे को स्किन इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन ऑफिशियली बात करूं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी के बाद उसको यूज ना करें। बाकी आपकी राय क्या है वो आप बताएं। परफ्यूम बॉटल्स की जैसे मैंने बात करी, बड़ी क्यूट सी बॉटल्स हैं, ये 50ml की क्यूब बना रखा है, इनको सामने की तरफ वही इंफॉर्मेशन है जो इनके बॉक्स पर दे रखी है, ये देखें बड़े अट्रैक्टिव से कलर्स हैं। एक फन फैक्ट दोस्तों, हम लोग अक्सर कहते हैं जो परफ्यूम्स हैं वो फ्रेंच होती हैं, ये जो है किस्मत से ये जो 3 रंग हैं ये फ्रांस का ट्राइकलर है। अच्छा, इन पर भी देखिए उदित वॉलेट 5 एक्टिव सोशल माउंटेन रेन लिखा हुआ है, क्वांटिटी 50ml। अगर इनकी टैगलाइन देखनी है आपको तो पीछे बॉटल के पीछे लिखी हुई है इनकी टैगलाइंस। कैप की बात करें, इनकी कैप काफी अच्छी है, काफी अच्छी ग्रिप है प्लास्टिक की, काफी हल्की है लेकिन ग्रिप बहुत अच्छी है। एटमाइजर की बात करें, डिसेंट एटमाइजर है, और मैंने देखिए इतना यूज किया तो बीच बीच में कभी कभी ये लीक करता है, पर इन ऑल बात करें तो सभी के एटमाइजर बहुत अच्छे हैं। आइए इनकी नोट प्रोफाइल समझें। ये है एक्टिव, ये है सोशल, और दोस्तों ये है माउंटेन रेन। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव की। एक्टिव के टॉप नोट्स में लैंग लैंग, मस्क, साइबेरियन पाइन का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में रोजवुड, मस्क, वायलेट का ब्लेंड मिलता है, और बेस नोट में मेडागास्कर वनीला, मस्क और ओक मॉस का ब्लेंड मिलता है। ये फ्रेग्रेंस माइल्ड, स्वीट, फ्लोरल और थोड़ी पाउडरी सी है। इसमें आपको मस्क और वनीला के नोट्स में कामिंग फ्लोरल नोट्स का ब्लेंड मिलता है, और ये बेहद अच्छी लगती है। सोशल की बात करें दोस्तों, वाव, इसके टॉप नोट्स में मिंट, मैंडरिन ऑरेंज, जूनिपर बेरी का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में लैवेंडर, जिंजर और टूनिसियन नेरोली का ब्लेंड मिलता है। बेस नोट में ब्राजीलियन रोजवुड, एम्बर और सैंडलवुड का ब्लेंड मिलता है। दोस्तों, ये फ्रेग्रेंस रिफ्रेशिंगली स्वीट और स्ट्रॉन्ग है। इसमें हल्की फुल्की झलक ब्लूटे शनल की मिलती है, स्टार्टिंग के ओपनिंग नोट कुछ वैसा लगता है। बाकी की फ्रेग्रेंस नोन लग रही है, देखिए फ्रेश फ्रेग्रेंस है और फ्रेश फ्रेग्रेंस के दीवाने इसको पसंद करेंगे। फाइनली बात करते हैं माउंटेन रेन की। इसके टॉप नोट्स में एक्वा, मैंडरिन ऑरेंज, कार्डमम मिलता है। मिड नोट्स में लैवेंडर, सैंडलवुड, टूनिसियन नेरोली मिलती है, और बेस नोट में ओक मॉस, एम्बर और सीडरवुड मिलता है। दोस्तों, अगर आपने इनके नोट्स सुने होंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे नोट इनमें कॉमन हैं, वो ऊपर नीचे लगा रखे हैं इन्होंने। इसकी नोट प्रोफाइल की बात करें तो एक्टिव की तरह इसकी भी फ्रेग्रेंस माइल्ड, रिफ्रेशिंगली स्वीट और पाउडरी फील होती है। फ्रेग्रेंस अच्छी है और अपने नोट्स के ब्लेंड की वजह से अट्रैक्टिव फील होती है। ऐसे में दोस्तों, जो इनके पैरामीटर्स हैं उनकी बात करें तो प्रोजेक्शन की बात करें तो तीनों की 30 से 45 मिनट की है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन तीनों की स्किन और क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पर 3 से 4 घंटे की परफॉर्मेंस मिलती है। पहले 1 से 2 घंटे आपको स्ट्रांग फील होगी और धीरे धीरे ये क्लोज टू स्किन हो जाएगी। विंटर्स में ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्म कर सकती है। जैसे आजकल मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ये मेरे पास काफी टाइम से थी, इसका वीडियो काफी लेट आया है, तो देखिए मैंने इसको एंड ऑफ समर्स में यूज किया था और वहां पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी। यूसेज की बात करें तो ये हर ओकेजन के लिए सही रहेगी, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। एज ग्रुप की बात करें तो ये तीनों सभी को पसंद आने वाली हैं। सीजन की बात करें तो आप इन्हें साल भर यूज कर सकते हैं। इन ऑल बात करें तो दोस्तों, ये फ्रेग्रेंस अच्छी है। इन तीनों में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को सिंथेटिक नोट की किक नहीं फील हुई। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, यूजली फ्रेग्रेंसेज में एक सिंथेटिक किक होती है, तो इसमें नहीं फील हुई। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, क्या ये सेफ या क्लीन है, तो ये मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं परफ्यूम में ऑयल परसेंटेज कितनी है, परफ्यूम की ऑयल क्वालिटी कौन सी यूज़ करी है ब्रांड ने, या ब्रांड जो परफ्यूम की नोट प्रोफाइल बता रहा है। कई सारे ब्रांड्स होते हैं जैसे लव फ्रेंच, जो काफ़ी सारी नोट प्रोफाइल बताते हैं, या ब्लैंको ने भी स्टार्ट किया था खूब एक्सटेंसिव नोट प्रोफाइल बताना। तो देखिए, ऐसे में हमें ब्रांड की बताई बातों पर यकीन करना होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।
आशा करता हूँ कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट और डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने ये फ्रेग्रेंसेज यूज़ करी हैं तो मुझे बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आपको अच्छी लगी है। अगर आपने यूज़ नहीं करी है तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके काम आएगा एक बेटर जजमेंट लेने में। अपने फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।